हेलो बच्चों, तो बेटा ये है आपका सेकंड पार्ट फॉर क्लास एट चैप्टर सिक्स साइंस कंबशन एंड फ्लेम। तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने कंबशन प्रोसेस के बारे में समझा, हमने कुछ मटेरियल्स देखे जो कि कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल में हमने डिफरेंशिएट किए। अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कम्बस्टिबल, और सब्सटेंसेस अगर आपको पता हैं तो आप अपने मन से उनमें इस टेबल में ऐड कर सकती हैं, ठीक है। तो चलिए, हमने कम्बशन देख लिया, अब हम कंडीशंस को इन्वेस्टिगेट करेंगे जिनकी वजह से ये कम्बशन प्रोसेस होता है, ठीक है। उन कंडीशंस को देखेंगे जिसकी वजह से कम्बशन होता है। ओके, सो लेट अस गो थ्रू एक्टिविटी 6.2। ये एक्टिविटी भी आपको पेरेंट्स के सुपरविजन में ही करनी है। ओके, इसमें क्या करना है बेटा, फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल, इस तरह से टेबल में कैंडल लगानी है, और इनके ऊपर ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। इसके और ये इस तरह से रखना है कि यहाँ से एयर जाती रहे। देखो, जैसे यहाँ पर एयर जा रही है, दो वुडन ब्लॉक रखे हैं और फिर ग्लास जार उल्टा रखा है, तो यहाँ से एयर जा रही है, ठीक है। यहाँ पर वुडन ब्लॉक नहीं है, डायरेक्टली जार रखा हुआ है, तो यहाँ से एयर नहीं जा रही है। यहाँ पर भी वुडन ब्लॉक नहीं है, डायरेक्टली रखा हुआ है, यहाँ से एयर नहीं जा रही है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊँगी, ठीक है। तो 6.2 ए वाले में इस तरह से वुडन ब्लॉक रखना है, फिर ग्लास जार रखना है ताकि यहाँ से एयर जाती रहे। ओके, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम, आपको फ्लेम को ऑब्जर्व करना है। नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल, फिगर 6.2। ओके, नेक्स्ट में क्या करने हैं, ब्लॉक्स नहीं रखने हैं और चिमनी को इस तरह से ही रहने देना है, जार भी ऐसे ही रहने देना है, फिर से आपको ऑब्जर्व करना है। फाइनली पुट अ ग्लास टेबल ओवर द चिमनी, वॉच द फ्लेम अगेन। अब क्या करना है आपको, एक ग्लास की टेबल यहाँ पर रख देनी है चिमनी के ऊपर और फिर आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। वॉट हैपन्स इन द थ्री केसेस, तीनों केसेस में क्या होगा, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ, क्या जो लौ है वो बुझ जाएगी, या तो फिर उसमें से धुआं निकलेगा और या तो फिर वो जलती रहेगी। कैन यू इन्फर एनीथिंग एट ऑल अबाउट द रोल प्लेड बाय एयर इन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, तो एज यू हैव सीन द एक्टिविटी, कैन यू गेस वॉट इज हैपनिंग इन द एक्टिविटी, एक्टिविटी में क्या हो रहा है, लेट अस गो थ्रू द ऑब्जर्वेशन। नाउ वी फाइंड दैट द फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी, तो बेटा सबसे पहली चीज़ हमने ये देखी बच्चों कि कंबशन के लिए एयर ज़रूरी है। ओके, क्योंकि हमने देखा इस ब्लॉक में एयर नहीं जा रही थी। ओके बच्चों, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी एयर नहीं जा रही है ना, तो ये जो कैंडल है ये क्या हो गई है, बुझ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एयर इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए हमें हवा की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। बिना हवा के, बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज़ नहीं जलेगी। द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए वेयर एयर कैन एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, ए वाला जो टम्बलर था उसमें नीचे से एयर जा रही थी, है ना, तो उसमें जो कैंडल थी वो अच्छे से जल रही थी। इन केस बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस अ स्मोक, बी वाले पार्ट में, बी वाला जो पूरा सेटअप था उसमें हमने देखा कि एयर नहीं जा रही थी, तो वहाँ पर जो कैंडल थी वो क्या हो गई, फ्लेम थी, बुझ गई, ठीक है, और वहाँ पर धुआं निकलने लगा। वहीं इन केस सी द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज़ नॉट अवेलेबल, सी में भी धीरे धीरे करके एयर जो है उसकी अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई, एयर ख़त्म हो गई और जो है आपकी कैंडल बुझ गई, ठीक है। ओके बच्चों, तो समझ में आया सबको, यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा, वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट, इज इट ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन, आप लोगों ने सुना ही होगा बेटा कि सन की खुद की हीट एंड लाइट होती है ना, सुना क्या होगा, ये तो हम देखते हैं भाई, सन जो है उसी से तो हमें हीट और लाइट मिलती है ना, सोलार एनर्जी मिलती है, तो क्या ये भी एक तरह का कंबशन प्रोसेस है, क्वेश्चन मार्क।
सोचिए आप लोग है क्या, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर भी लिखा हुआ है। एनीवेज, इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सन के अंदर बेटा ऐसी गैसेस होती, हीलियम गैस होती है, वहाँ पर हीट एंड लाइट जो प्रोड्यूस होती है, जो हमें मिलती है, वो एक्चुअली में न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, ठीक है। और इसके बारे में डिटेलिंग में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी मत पढ़िए क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट एक्टिविटी पर आते हैं। एक्टिविटी 6.3, क्या करना है, प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल और एन आयरन प्लेट और तवा। लकड़ी, जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा या तो फिर जलता हुआ कोयला आपको आयरन की प्लेट पे रखना है या घर पे आपके जो तवा होता है उस पर रखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, कवर इट विद अ ग्लास जार और अ टम्बलर। उसको एक ग्लास के जार से या तो फिर ग्लास होगा कांच का उससे ढाँक दीजिए, लेकिन देखिएगा कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, या तो फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार भी ले सकते हैं, बट अच्छा वाला प्लास्टिक लेना, थोड़ा सा जो ना मेल्ट हो, ठीक है। और ये सारी एक्टिविटी अगर करेंगे तो पेरेंट्स के सुपरविजन में ही करेंगे, खुद से नहीं करेंगे, ठीक है। फिर क्या करना है बेटा, कवर इट विद अ ग्लास जार, बता दिया हमने। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। डस चारकोल स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम, कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप्स बर्निंग। आपको ये देखना है कि जो लकड़ी का टुकड़ा आपने जलाया है या कोयले का टुकड़ा जो जलाया है वो जलना बंद हो गया है या तो फिर वो कंटिन्यू जल रहा है, ठीक है। और ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दे रही हूँ बेटा, अंदर जार के धुआं धुआं हो जाएगा और थोड़ी देर में वो जो भी है उसकी जो कंबशन का प्रोसेस है वो बंद हो जाएगा क्योंकि सप्लाई ऑफ एयर जो है वो कट जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन कैचेस फायर, द पर्सन इज कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर, एज यू कैन सी इन द फिगर 6.3। जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं कि जब किसी इंसान गलती से कैसे भी उसके कपड़ों में आग लग जाती है तो हम क्या करते हैं, जल्दी से उसे ब्लैंकेट से कवर करने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है, वाई ऐसा इसलिए किया जाता है बेटा, ताकि जल्दी से जो आग है और उस पर ऑक्सीजन का सप्लाई कट ऑफ हो जाए और आग जो है वो बुझ जाए, ठीक है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ और हाउ डज इट बर्न। माचिस की तीली, माचिस जब हम जलाते हैं तभी जलती है ना, खुद से थोड़ी ना जलती है। आपने कागज़ भी जलाए होंगे, डज इट बर्न व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट। आपने, हम क्या करते हैं, जलते हुए माचिस की तीली के पास अगर हम कागज़ लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली वो जल जाएगा, है ना, कागज़ पेपर, ओके। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर टू इट। अब मैं आपको बोलूँ कि बेटा इतनी मोटी लकड़ी, पेन बराबर जितनी, ठीक है, इससे भी थोड़ी मोटी लकड़ी आप माचिस की तीली से जलाइए, आप क्या जला पाएंगे, नहीं जला पाएंगे। क्यों नहीं जला पाएंगे, क्योंकि भाई लकड़ी मोटी है, माचिस की तीली तो पतली सी है, जल्दी से जल के बुझ जाएगी। सो वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। तो आप लोगों ने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, अगर जिनके घरों में चूल्हा जलता होगा या कभी आपने गांव वगैरह में विज़िट किया होगा, तो बेटा जब हम ढेर सारी लकड़ियां जलाते हैं या ढेर सारा कोयला जलाते हैं तो हम मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं या तो फिर हम कागज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्टली बैठ के उसे माचिस की तीलियों से नहीं जलाते रहते हैं, ठीक है। तो मैं इसके बारे में अभी बता रही हूँ कि ऐसा क्यों करते हैं, अभी आप क्वेश्चन सुन लीजिए। फिर आपने फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुना है बेटा, फॉरेस्ट फायर्स, जंगलों में आग लग जाती है, कैसे लग जाती है, कोई जला के आता है क्या, कि अपने आप जंगल, इतने बड़ा जंगल जल जाता है, बड़े बड़े पेड़, मोटे मोटे पेड़ जल जाते हैं, ये देखो। तो होता क्या है बेटा फॉरेस्ट फायर में, ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर। जब बहुत भीषण गर्मी होती है बेटा तो क्या होता है, जो ड्राई घास, सूखी घास जो होती है ना, वो जब आपस में टकराती हैं तो उनमें फ्रिक्शन पैदा होता है, घर्षण। फ्रिक्शन भी एक काइंड
एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है, और उस फ्रिक्शन की वजह से उसमें चिंगारी होती है और वही चिंगारी जो है आग पकड़ लेती है। ठीक है, अब जंगल गर्मी में पूरा सूखा रहता है तो ये जो घास है जल्दी से आग पकड़ के धीरे धीरे ये आग पेड़ों में लग जाती है, पेड़ों से ये आग पूरे जंगल में फैल जाती है और इस तरह की आग को फिर कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, सो डू दीज एक्सपीरियंसिस टेल यू दैट डिफरेंट सब्सटेंसेस कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तो मैंने अभी आपको जो दो चीज़ें बताई थी बेटा कि माचिस की तीली से हम कागज़ तो जला सकते हैं लेकिन हम मोटी लकड़ी नहीं जला सकते, तो क्या आपको यहाँ ये समझ में आ रहा है कि अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग टेम्परेचर पर ही जल पाते हैं। ठीक है, सो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो सबसे कम टेम्परेचर जिस पे कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर दे उसे ही हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जैसे कि मैंने माचिस की तीली से कागज़ जलाया, कागज़ जल गया जल्दी से, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर उसे मिल गया था। ठीक है, मतलब कागज़ जो है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम था इसलिए वो जल्दी से जल गया फटाफट से। ठीक है, कैन यू टेल नाउ व्हाई अ मैचस्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। तो माचिस की तीली खुद से क्यों नहीं जल पाती अगर रखी है वो, क्योंकि वो उसके इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंची है। जब हम रब करेंगे तो ही उसे वो कंडीशंस मिलेगी, तो ही वो माचिस की तीली अपने इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंचेगी और वो जलेगी, वरना खुद नहीं जल जाती रखे रखे, है ना। चलो तो बेटा मैं इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी और उसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि आप बच्चों को इजीली समझ में आए। ठीक है, सो अप टिल देन गो थ्रू द वीडियोस एंड थैंक यू सो मच।